आज मेरे पास सैमसंग E1200 जो सैमसंग GT की सेम स्लॉट है जो काम नहीं कर रहा है, जो टूट गया। आज मैं बताऊंगा कि कैसे स्लॉट चेंज करें। सिर्फ एक मिनट कैसे करना है। तो सिम स्लॉट देख लीजिए, टूटी हुई है। इसी तरह के तो पीना है, नीचे की पॉइंट बची, अंदर की टूटी है। मैं आपको आज मैं बताऊंगा इसका कोई के साथ दिखाऊंगा। आप देखते रहे ज़्यादा मात्र एक से बोर्ड रखा हूँ। डेढ़ मिनट में आप सिम स्लॉट को चेंज कर सकते हैं। आप पूरी वीडियो देखते रहें। मैं मार्केट से नया लाया हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। मार्केट से लाया हूँ नया, आप देखते हैं, क्योंकि इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकती। आप देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि रिलीफ का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छी है, इसलिए मैं वो इसी को यूज़ करता हूँ। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, रिलीफ का एक टेस्ट है, बहुत ही सही है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो अभी मैं एक और टेस्ट है जो ये देखिए SMD का जो टेम्परेचर है, आप देखते रहे मेरी वीडियो, स्क्रीन पर दिखती होगी। टेम्परेचर जो है 350 समथिंग रखी है, जो टेम्परेचर 350 के समथिंग रखी है आराम से। इसमें कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि मैं जल्दबाजी काम नहीं करता। जल्दबाजी करने के चक्कर में प्रिंट भी पा सकती हैं। आप देखिए वीडियो में, क्योंकि मेरा भी एक प्रिंट ऊपर गया था, लेकिन वो तो ग्राउंड था, इसलिए मैंने जो सिंक का जो स्लॉट है जो बोर्ड में लगे दिख लीजिए, जो कोने पे ये निकलते समय निकल गया बोर्ड से। जो पेस्ट है ये जो ए भी बहुत ही अच्छी पेस्ट है, आप भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पेस्ट है सबसे अच्छी पेस्ट है। अभी तो फिलहाल मैं आपको फिलहाल मैकेनिक का पेस्ट है, जो अच्छी पेस्ट है, जो U50 जो है इसकी। अभी तो फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा इसे, जो मार्केट से लाया हूँ उसे थोड़ा उसकी जो पॉलिश है उसे छोड़ा दें, रंगा चढ़ाए, क्योंकि जो आप जब सोल्ड करें तो आसानी से बैठ जाए। क्योंकि फ़िलहाल आप देखते रहें, मैंने तो पूरी वीडियो देखते रहें, क्योंकि बहुत दिन बाद ये आया सेट, क्योंकि सिंक काम नहीं कर रही, तो मैंने कहा लाओ आज सुबह की वैनी सी से। मैंने सुबह ही तो बंद किया है, तो देखा मैंने पहली इसी से किया, तो मैंने कहा कि आज मैं कीपैड पे देखता हूँ, फिर बनाता हूँ। लाल में ऐसा देखिए, तो आप देखिए को अभी तो फिलहाल मैं देखिए सोल्डिंग से आराम से, जो आपको बोला था मात्र एक से डेढ़ मिनट के अंदर ही आप जैक लगा कर चालू कर देंगे, सिम भी चालू हो जाएगी। आप देखते रहें पूरे, क्योंकि एक बार सोल्ड करने के बाद थोड़े थोड़े रंग पकड़ाने के बाद उसके बाद ये जो एक देख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी ना करें। ये जल्दबाजी में भाई जी क्या वो फोन का कि आप जब भी काम करें सफाई नीचे तो है, वही नीचे है, चालू है पहले से। कौन था वो भाई नहीं है, आप ही कंफ्यूज कर रहे हैं। ये वेट के लेवल है, अभी मैं चेक करा दूंगा कि टावर है उसका, जो मीटर है उससे भी मैंने नाप की। V11 कर रहा है, शाम को नहीं दिखाए थे आप, ये ना बोले वही वाली यार हो गया, क्योंकि मैंने बोला था आपको एक से डेढ़
ये पुराना वाली है, ये देख लें। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। मल्टीमीटर से चेक करूंगा इसे। हाँ मैंने एक बार चेक किया तो वोल्टेज आ रही थी, तो मैंने देख वीडियो बनाया नहीं इसको चेक करने में, तो बना दे रहा हूँ। ये देखिए ग्राउंड नहीं है, इस पर भी मान आएगी, इस पर भी मान आएगी, इस पर भी मान आएगी, इस पर भी मान आएगी। मैंने ट्रैक सही है फिलहाल, पता है कि जो है अगर वीडियो आपको पसंद आए भैया तो एक सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, क्योंकि आप भी एक लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है, इसलिए आप देखते हैं कि जो है वीडियो है बहुत ही सिम लगा कर चेक करा दूँगा कि है ना, बोले हाँ कि आप अगर नहीं है टावर आई नहीं है कॉलिंग नहीं नहीं दे तो मैं आपको चेक करा देता हूँ कॉलिंग आ रही है कि सिम टावर सिम आ रही कि नहीं है, दिखा रही है टावर आ रही है कि नहीं। फिलहाल मैं सेट कर लेता हूँ, मैं चेक करा देता हूँ। ऐसे कि आप टावर आए कॉलिंग भी कर रहा हूँ, देख लीजिए कॉलिंग दोनों हो रही है।